ओम शांति। आज 31 मार्च 2021 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कहे, परमात्मा को कहा ही जाता है कि वो इस सृष्टि चक्र में प्रिंसिपल एक्टर है, डायरेक्टर है और क्रिएटर है। उसको प्रिंसिपल एक्टर इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाबा कहे, वो सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट प्ले करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चे जो योग करते हो, ये योग तुम्हारा रूहानी है। दुनिया में साधु संत आदि जो योग करते हैं, उनका जिस्मानी योग है, क्योंकि वह ब्रह्म महतत्व के साथ योग करते हैं, जो रहने का स्थान है, तो इसीलिए उनका जिस्मानी योग कहेंगे। तुम सुप्रीम परमात्मा बाप से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा रूहानी योग है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही कि दुनिया में लोग ओम शांति जरूर कहते हैं, लेकिन ओम शांति के भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। कोई कहते ओम माना भगवान, कोई कहते ओम माना कुछ और, है ना, कोई कहते ओम माना हम ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन बाबा ने आकर बहुत सरल अर्थ बताया कि ओम माना अहम आत्मा और शांति माना मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। और इसी तरह शिव बाबा भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात मैं परमात्मा शांति का सागर। कितना सरल तरीके से बाबा ने ओम शांति का अर्थ स्पष्ट किया है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर है, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसीलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। आज की मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति। बाबा बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांति, इसलिए कहते हैं मैं हूं शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूं शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं, कितना सहज है, तो कितना सरल अर्थ बाबा ने बता दिया। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है, जैसे कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह
बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है। इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूं, क्योंकि बाबा चैतन्य बीज है, इसीलिए बाबा जानते हैं। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हैं हे बाबा पतित पावन एक्टर बन जाओ। बच्चे कहते हैं हे बाबा पतित पावन एक्टर बन जाओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूं। जब बच्चों ने पुकारा तो उस एक्ट को मैं कर रहा हूं। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूं। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की तो नहीं होती है। परंतु बाप कहते हैं कि इन पांच विकारों के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पति तो सब अपने को कहलाते ही हैं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो इसीलिए पति तो हर कोई अपने आप को कहलाते हैं। तो बच्चों को बाप समझाते हैं कि पति तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमको पति कौन बनाता है और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पति पावन कौन? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते बाबा कह, यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पार्ट बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी है कि रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं, सृष्टि के लेवल पर ले जाते हैं। हे बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है। तीन हिस्सा पानी है, एक हिस्सा जमीन है, तो बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है, इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। कितना सरल रीति से बाबा समझाते हैं कि राम राज्य इस बेहद की दुनिया पर और रावण राज्य भी इस बेहद की दुनिया पर है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही ये वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, कितनी आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धी बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो, तो वही देवी देवताओं वाली आत्माएं कितने धर्मों में कन्वर्ट हो गई। कुछ मुसलमान धर्म में गए, कुछ क्रिश्चियन धर्म में गए और कुछ बौद्ध धर्म में गए।
तो बाप तुम सब भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी है ब्राह्मण देवताए नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन युग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था, यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे, योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। विलायत में योग था नहीं, विलायत में कोई योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके। सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाएं भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाएं छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाएं छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग। ज्ञान बिल्कुल नहीं, अनेक प्रकार के हठ योग है, यह है राजयोग। इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी। मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूं, और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठयोगी कब ऐसे कह न सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मरजीवा बना है तो दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा नाम बदल दिया, क्योंकि मरजीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, वतन से संदेशी सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। तो शुरू शुरू में हर एक के नाम संदेशियों के द्वारा ऑलमाइटी बाबा ने भेजा था, इसीलिए सभी दादियों के जो नाम है वो अव्यक्ति नाम है, वतन से आए हुए। लेकिन फिर कुछ आत्माएं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया, क्योंकि
कि ये भी एक प्रकार का सुप्रीम ऑलमाइटी बाबा का इंसल्ट था। इसीलिए अब पाप कहते हैं कि हम नाम दे और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है, तो ये भी एक प्रकार का बोझ हो गया। पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे, बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारगति दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। और आज देखो कितने विश्व के अंदर क्रिश्चियन लोगों की बुद्धि में बाबा का ये ज्ञान बैठा है। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते हैं। यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी, सदगति भी शिव बाबा की याद से होगी। बाप कहते हैं बच्चों कि आत्माओं मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गए। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो इसमें भी कोई पूरा जानते कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा तो जाकर इन्हों से पूछे तो सही। सोचते हैं ऐसे, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि ही नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं गाया भी जाता है पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सत्युग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज दो कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डायनेस्टी संपूर्ण नहीं, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है आगे गवर्नमेंट का। ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़ी पढ़ सकते थे, फोटो में कोई निकलते थे। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो मात पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डायनेस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हब की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सत्युग में कितना अथाह धन होगा। तो जो ले गए तो नेचुरल एक कार्मिक हिसाब बन गया, तो रिटर्न भी करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहे तुम्हारा इनसे गहरा संबंध है। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब खानियां भरतू हो जाती है। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती है, फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरत
भरतू हो जाएगी, सब कहानियां भरतू हो जाएगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजाई गंवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया था। बाबा कहे, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया था, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं कि रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि रावण तो परंपरा से चलाता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो, दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, आत्माएं मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कठ चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण ज्योति हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योत जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी, तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता, वह राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाबा ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है। वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। ये सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है, हथकारडे दिल याते, काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशुक की, अभी वह माशुक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। वो माशुक बाप आया हुआ है, सभी आत्माएं अर्थात सजनियों को गुलगुल बनाए साथ ले जाएंगे। बेहद का साजन, बेहद की सजनियां है। कहता है, मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भाई गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, हे आत्मा तुम्हारे दिल बाप के तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। और प्रैक्टिकल में इस समय सारी दुनिया रोगी है, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। भविष्यवाणी बाबा ने कर दिया, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति,
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशुक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्तनशीन बनने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शॉक आ जाता है, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और माया जीत विजयी बन जाएंगे। आज का बाबा का स्लोगन है, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। अच्छा, ओम शांति।